रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज अमेठी दौरा रहने वाला है, तो गौरीगंज वासियों को बड़ी सौगात नितिन गडकरी देंगे। 10 अरब की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनके साथ मौजूद रहेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। अमेठी के गौरीगंज अटल जयंती के मौके पर शनिवार को जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जनविश्वास रैली के बहाने ये सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शहर के नवोदय विद्यालय में अटल जयंती के मौके पर जनविश्वास रैली का भी आयोजन किया गया है। दोपहर 12 बजे आयोजित इस रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नितिन गडकरी का आज अमेठी दौरा रहेगा, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि पिछले 19 दिसंबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी आए थे, उसके बाद जो चुनावी सरगर्मी थी अमेठी की वो बढ़ गई थी। उसी के एक हफ्ते बाद जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज यहाँ एक जो है दौरा लगा हुआ है, जो अमेठी वासियों के लिए नवोदय विद्यालय से बड़ी सौगात दी जाएगी। जो है सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये अमेठी 2022 के अगर चुनाव को देखते हुए अगर बात की जाए तो ये जो है काफी अहम जो ये दौरा है और ये सौगातें हैं काफी अहम मानी जा रही हैं साहिल। दिलीप, अगर बात की जाए जिस तरीके से स्मृति ईरानी भी अमेठी के दौरे पर हैं, साथ ही साथ नितिन गडकरी भी अमेठी का दौरा करने वाले हैं, आज वो पहुंचेंगे और तमाम बड़ी सौगातें यहां पर अमेठी वासियों को दी जाएगी, और लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं वो मैदान में खुद उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार एक के बाद एक जनसभाएं यहाँ पर की जा रही है, सौगातों की भी झड़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा दी गई है लोगों के लिए, और लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक के बाद एक कई परियोजनाएं भी यहां पर चलाई जा रही हैं। कितना फायदा मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है? देखिए साहिल, अगर बात की जाए तो विधानसभा 2022 का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ गया है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, जो है हर पार्टी वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। तो अगर बात की जाए तो अब बस कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जो है फिर काफी क्योंकि ओमिक्रॉन को देखते हुए जो है काफी दिक्कतें भी होने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं, तमाम तरह के जो लुभावने वादे हैं वो दे रही हैं। तो इसको देखते हुए अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी वर्तमान में उसकी सरकार है, तो इस तरीके से वह काफी दमखम झोंक देना चाह रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों का मुद्दा था और महंगाई का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और तमाम जो आवारा पशु हैं उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो घेर रहा है उसको, तो इसको देखते हुए जो बीजेपी है वो ठीक है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।